लाउडस्पीकर देश में अभी चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। कभी अजान के नाम पर तो कभी हनुमान चालीसा के नाम पर लाउडस्पीकर पर राजनीति भी की जा रही है। यूपी के एक व्यक्ति ने तो अपने घर लाउडस्पीकर लगाकर महंगाई दायन ही की बजाना शुरू कर दिया, तो वहीं अब खंडवा की पुलिस भी चौक चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर लोगों को सचेत करती नजर आ रही है। दरअसल सोमवार तड़के खंडवा के जलेबी चौक स्थित 7 दुकानों में आगजनी हो गई थी। इसके बाद खंडवा पुलिस अलर्ट मोड में आ गई, जहां पुलिस ने अज्ञात असामाजिक तत्वों पर आगजनी का केस दर्ज किया है। तो वहीं पुलिस शहर में चौक चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट कर शहरवासियों से यह अपील कर रही है कि वह रात को बेवजह बाहर ना निकले, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, सोमवार सुबह सुबह खंडवा के जलेबी चौक में 7 दुकानें जल उठी थी, जिसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस जांच में पाया गया कि असामाजिक तत्वों द्वारा दुकानों में आग लगाई गई है। यह बदमाश कौन थे, इसे लेकर छानबीन की जा रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, बावजूद इसके आग लगाने वालों का पता नहीं चल पाया। पुलिस की खुफिया टीम भी आग लगाने वालों को ढूंढ रही है। खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि उनकी टीम सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए है। इसमें कोई असामाजिक तत्व ऐसे पोस्ट करता है जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोतवाली टीआई बलजीत सिंह बिसेन ने देर रात जलेबी कहारवाड़ी चौक पर लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट सूचना आम जन तक पहुंचाई कि रात में बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सतर्कता बरतते हुए पुलिस ने मकान मालिकों से किरायेदारों सहित नौकरों की जानकारी देने की बात भी कही है। बलजीत सिंह विषय में बता दिया कि जिला दंडाधिकारी क्या आदेश पर सभी मकान मालिकों को सूचित किया गया है कि अपने यहाँ रहने वाले किरायेदारों, होटल में रुकने वाले बाहर से आए लोगों और काम करने वाले नौकरों की जानकारी नजदीक के पुलिस थाने में दर्ज करवाएं। ऐसा नहीं करवाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सीएसपी ललित कटरे ने बताया कि आगामी त्योहारों और संवेदनशीलता को लेकर पुलिस सक्रिय है, रात में पेट्रोलिंग की जा रही है। असामाजिक तत्व हैं जो रात 12 बजे के बाद अनावश्यक घूमते हैं, ऐसे लोगों को लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर बोला जा रहा है कि अगर वह बेवजह बाहर घूमेंगे तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो शांति व्यवस्था को भंग करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जन सामान्य जिसे आवश्यक कार्य से बाहर जाना है उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। टीम भारती न्यूज। किया जाता है, आपके मकान में यदि कोई भी किराएदार या बाहरी व्यक्ति निवास करता है, कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार अपने अपने मकान में निवासरत किराएदार की, बाहरी व्यक्ति की, घरेलू नौकर की जानकारी पुलिस थाने पर दी जाना सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेशित कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया है। यदि किसी भी मकान मालिक द्वारा अपने किराएदार या घरेलू नौकर की जानकारी थाने पर नहीं दी जाती है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत उस मकान मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी मकान मालिक और नौकर स्वामी की यह जवाबदारी है कि वह उक्त आदेश के पालन में किराएदारों की जानकारी, घरेलू नौकर की जानकारी अपने अपने संबंधित थानों पर आवश्यक रूप से प्रदान करें। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति 12 बजे बाद यदि अनावश्यक रूप से घूमता फिरता मिलता है या अनावश्यक गतिविधि करता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी मेरे खंडवा के लोगों से अनुरोध है कि कृपया अति आवश्यक होने की स्थिति में ही, अति आवश्यक कार्य होने की स्थिति में ही घर से बाहर निकले। खंडवा पुलिस आपके साथ है, धन्यवाद। क्या है पूरा मामला? भैया, खंडवा शहर में अभी जो आगामी त्योहार है और जो ऐसी संवेदनशीलता है उसको लेकर पुलिस पूरी तरह सक्रिय है और जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है। अभी आम जन को यह भी सूचित किया गया है कि जो रात्रि 12 बजे के बाद ऐसे जो आपराधिक तत्व के लोग जो अनावश्यक घूमते हैं उनको अनाउंसमेंट करके बोला गया है कि अगर रात्रि में अगर ऐसे कोई व्यक्ति दिखता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल्स है, थाने की जो टीम्स हैं वो लगातार एक्टिव है। ऐसा कोई भी तंत्र जो शांति व्यवस्था को भंग करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों से क्या अपील है? हम लोगों को अनावश्यक रात्रि में भ्रमण करना के लिए उनको प्रतिबंधित किया गया है कि वो बिना किसी कारण के लिए इधर उधर भ्रमण ना करें।
Subscribe now to most exciting channel ever.